हेलो एवरीवन, मेरा नाम है पूजा और आप देख रहे हैं किचन भंडार यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ नीर डोसे की रेसिपी। इसके साथ खाने वाली हम चटनी भी बनाएंगे। यहाँ पे मैंने एक कप चावल लिया है जिसे मैंने ओवरनाइट सोप करके रख दिया है। मैंने यहाँ पे रेगुलर चावल लिया है, आप कोई भी चावल ले सकते हैं जो आप घर में यूज करते हो। आप क्वांटिटी अपने हिसाब से रख सकते हैं कम या ज्यादा। तो पहले हम चटनी बनाएंगे जो हम प्याज और टमाटर से बनाएंगे। मैंने एक मीडियम साइज का टमाटर लिया है जिसे मैंने रफली चॉप कर लिया है और एक मीडियम साइज का प्याज लिया है उसे भी मैंने रफली चॉप कर लिया है। मैंने गैस पर एक पैन रख दिया है, इसमें हम एक टेबल स्पून तेल डालेंगे। मैंने यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल लिया है। तेल के गर्म होने पे गैस की फ्लेम को लो कर देंगे और इसमें 6 से 7 लहसुन की कलियां डाल देंगे। 1 चम्मच उड़द का दाल, ये बड़ा 1 चम्मच है। 1 चम्मच चना दाल, हम दोनों दाल की क्वांटिटी सेम रखेंगे। 4 से 5 सूखी लाल मिर्च, आप यहाँ पे लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं, और थोड़े से करी लीप और थोड़ा सा हींग। इन सबको चलाते हुए 1 से 2 सेकंड के लिए भूनेंगे। बस हमें इसका कच्चापन निकालना है, ज्यादा नहीं भूनना। इस चटनी के साथ इडली, डोसा, उत्पम, रवा इडली, ढोकला, कोई भी साउथ इंडियन डिश के साथ खाएंगे, उनके साथ ये चटनी बहुत अच्छी लगती है। इसी टाइम पे इसमें हम चटनी का मेन पार्ट प्याज को डालकर 1 से 2 मिनट के लिए और भूनेंगे। चटनी में एक अच्छा कलर लाने के लिए मैं यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च डाल रही हूँ, ये 1/2 टीस्पून है, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। अब इन सबको मिक्स कर लेते हैं और यहीं पर हम टमाटर भी डाल देंगे जो चटनी का दूसरा मेन पार्ट है, और साथ ही इसमें हम नमक डाल देंगे। मैंने यहाँ पे 1 टेबल स्पून लिया है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले। और इन सबको मिक्स करते हुए टमाटर को सॉफ्ट होने तक भूनेंगे। ये देखिए, ये अच्छे से भून गया है, तो गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने देंगे। तो देखिए फ्रेंड, ये अच्छे से ठंडा हो गया है, तो इसे हम पॉट में ट्रांसफर कर देंगे। और 1 चम्मच इमली का पल्प, मैंने इसे पानी में सोप करके रखा था 1 घंटे के लिए। इससे चटनी में एक अच्छी सी खटास आती है जो चटनी का फ्लेवर बढ़ा देता है। इसे हम बिना पानी का पहले पीसेंगे और फिर जरूरत पड़ेगा तो हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसे एकदम फाइन सा पेस्ट बना लेंगे। ये देखिए फ्रेंड, हमने इसे पीस लिया है। इसमें मैंने 2 से 3 टेबल स्पून ही पानी डाला है, तो इसे हम एक बाउल में ट्रांसफर कर लेंगे। आप जितना फाइन हो सके उतना फाइन पीसे, तभी आपकी चटनी बहुत अच्छी लगेगी। ये देखिए फ्रेंड, मैंने इसे एक बाउल में निकाल लिया है। चलिए अब हम इसका तड़का तैयार कर लेते हैं। यहाँ मैंने गैस पर एक छोटा सा फ्राई पैन रखा है, इसमें हम सरसों का तेल लेंगे। तेल के गर्म होने पर गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं जिससे कि हमारा तड़का जले ना। 1/2 छोटा चम्मच राई और करी लीफ डाल देंगे। तो ये देखिए, ये अच्छे से चटकने लगा है, तो इसे हम अपनी चटनी के ऊपर डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो हमारी प्याज टमाटर की चटनी बनकर तैयार है। कितनी अच्छे दिख रहे हैं, तो इस तरह से जरूर बनाइएगा। चलिए अब हम नीर डोसा बना लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे मिक्सी का जार लिया है, चावल मेरा अच्छे से सोफ हो गया है। पानी निकालकर इसे हम पॉट में ट्रांसफर कर देंगे। और 2 चम्मच मैंने फ्रेश नारियल लिया है जिसके ऊपर का ब्लैक वाला पार्ट मैंने नाइफ की मदद से निकाल दिया है और इसे छोटे छोटे कट कर लिए। आप इसकी जगह नारियल का बुरादा भी डाल सकती हैं। अगर आपके पास नारियल नहीं है तो आप इस तरह से भी बना सकती हैं, लेकिन नारियल डालने से ये थोड़ा सॉफ्ट हो जाते हैं। मैंने जिस कप से मेजरिंग करके चावल लिया था, मैंने उसी कप से पानी लिया है और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम इसे पीसेंगे। इसमें थोड़ा भी दाना न रहे ऐसा हमें पीसना है, हमें एक बार में पानी नहीं डालना है। तो चलिए इसे हम पीस लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड, मैंने इसे पीस लिया है, मैं इसे बाउल में ट्रांसफर करती हूँ। मैंने इसमें 4 टेबल स्पून के करीब पानी डालकर पीसा है। जो हमने पानी लिया था उस पानी को हम इसी पॉट में डाल देंगे और इसे अच्छे से धुल कर अपने बैटर में डाल देंगे। तो हमने जितना चावल लिया था उतना ही पानी लिया है और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आपका बैटर जितना फाइन पिसाएगा उतना अच्छा आपका डोसा बनेगा। हमें इसका एकदम पतला सा गोल बनाना है, तो ये अभी भी गाढ़ा लग रहा है, तो इसमें हम 1/2 कप पानी और डाल देंगे। तो टोटल हमने इसमें 1.5 कप पानी डाला है और अब इसकी थिकनेस देखिए, तो ये परफेक्ट है। तो चलिए अब हम डोसा बनाना शुरू करते हैं। मैं नमक इसमें डालना भूल गई थी, तो मैंने यहाँ 1 टेबल स्पून नमक लिया है और इसे भी डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसकी थिकनेस को देखिए, हमें इतना ही पतला रखना है। अगर बाद में बनाते बनाते बीच में चावल नीचे बैठ जाता है तो थोड़ा पानी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। मैंने गैस पर एक कढ़ाई रखा है, आप पैन भी ले सकते हैं, लेकिन जो भी ले आप नॉन स्टिक ही ले, क्योंकि नीर डोसा नॉन स्टिक में ज्यादा अच्छे से बनता है। अब इसमें हम ब्रश की मदद से तेल ग्रीस कर देते हैं, हमें इसमें बहुत ज्यादा तेल लगाने की जरूरत नहीं है।
आपके पास अगर नॉन स्टिक पैन नहीं है तो आप लोहे के तवे पे भी बना सकती हैं। आप तवा को गर्म कर उस पर तेल लगा लीजिए और फिर उस पर ठंडा पानी छीट कर कपड़े से पोंछ दीजिए तो आपका नॉन स्टिक तवा तैयार हो जाएगा। अब इसमें हम अपना बैटर डालेंगे। गैस की फ्लेम को लो रखेंगे। ये बहुत जल्दी पक जाता है, ये देखिए। इसे हमें दोनों साइड पकाने की जरूरत नहीं है क्योंकि इतना पतला होता है कि ये एक साइड से ही पक जाता है। इसे हम फोल्ड कर लेते हैं। तो देखिए हमारा डोसा तैयार है। इसी तरह हम सारा बना लेंगे। जब भी आप बैटर डालें तो बैटर को पूरी तरह से चला लें नीचे से, क्योंकि नीचे चावल बैठ जाता है। हमें बार बार तेल लगाने की जरूरत नहीं है। तो देखिए फ्रेंड, हमारा सारा डोसा बनकर तैयार है। कितने अच्छे दिख रहे हैं, मैं आपको एक खोल कर दिखाती हूँ। कितने सॉफ्ट बने हैं, कितने जालीदार बने हैं, ये देखिए। तो इसी तरह से हमें बनाने हैं सारे। आपको कैसा लगा कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। साथ ही साथ बेल आइकन को हिट कर इसे ऑल पे क्लिक कर दे, जिससे कि मेरे आने वाले नए वीडियो सबसे पहले देख सके। इसी तरह से मैं कुछ और भी आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आती रहूंगी। मैं मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।